सो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों को काफी सारा वेट करवाने के बाद एक प्रीमियम स्विफ्ट 2024 जो लस्टर ब्लू कार आई हुई है आप लोगों के सामने है। स्विफ्ट कार की काफी देर से हमें इंतजार था कि कुछ अलग यूनिक करके लेकर आए, क्योंकि स्विफ्ट को हमें दिखानी तो थी अपनी चैनल के ऊपर, लेकिन कुछ अलग और कुछ यूनिक पर्सनैलिटी के साथ। सो गाइस, ये कार देख के आप लोग आज इस वीडियो के बाहर जाने वाले नहीं हो, क्योंकि इस कार के अंदर काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मारुति सुजुकी ने तो दिया ही हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप स्विफ्ट कार में बेसिक मॉडल भी लेते हो, जैसे कि LXi, VXi या ZXi की कुछ नॉर्मल एक्सेसरीज वाली कार, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट करवा सकते हो। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड रहना जगदम्बा कार एक्सेसरीज के इस पेज पे, जहाँ पे आपको मिलती है कार एक्सेसरीज रिलेटेड बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन। और मैं हूँ आपका होस्ट राकेश, जो जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे एक्सक्लूसिव कार मॉडिफिकेशन के वर्क करते हैं। पूरी बेस से टॉप का हमारी कार का पूरा आपको चैनल देखने को मिलेगा, जिसमें हर गाड़ी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो आइए बात करते हैं इस कार के ऊपर कि क्या कुछ इस कार में हमने किया हुआ है, और इस कार को साथ साथ में एक्सप्लोर भी करते हैं कि गाड़ी में कितना नया कॉन्सेप्ट कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों, स्विफ्ट की फोर्थ जनरेशन में आप लोगों को फ्रंट प्रोफाइल से ही बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कार के फ्रंट प्रोफाइल के लुक्स की बात करूं, तो एक टाइप से आप गाड़ी को देखोगे तो एक मिनी कूपर जैसा ही लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटली बोनेट जो है वो चेंज हो चुका है। फ्रंट की ग्रिल जो है वो रिप्लेस होके कंपनी ने ही कुछ GT लाइन एडिशन जैसा लॉन्च कर दिया, और साथ ही साथ एक आउटलाइन जो आप लोग क्रोम की देख सकते हो किस तरीके से आती है। और स्किड प्लेट की बात करें तो जैसे हम पहले वाली कार के अंदर किस तरीके से स्किड प्लेट वगैरह लगाते थे, लेकिन इस कार में आप लोगों को स्किड प्लेट का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ताकि आप लोग पूरी बॉडी किट अगर ना भी चेंज कराओ तो टॉप मॉडल में तो आपको कंप्लीट जो है मॉडिफाइड लुक ही देखने को मिलता है। लेकिन बात करें हम इसके बेसिक मॉडल कार की, तो LXi कार में हमारे पास फ्रंट की स्किड प्लेट, फ्रंट की ग्रिल, आउटलाइन क्रोम लाइंस और काफी सारी चीजें आने वाली है, जैसे कि टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स, फोग लाइट। तो मॉडिफिकेशन के लिए ये कार बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। और दोस्तों, साइड प्रोफाइल ऑफ द कार से भी इस कार में काफी यूनिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कार जो है टॉप मॉडल तो है ही, साथ ही साथ आपको ड्यूअल टोन में इसकी जो इफेक्ट है वो काफी अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि अगर आपके पास बेसिक मॉडल कार होने वाली है तो आप उसमें ड्यूअल टोन का कॉन्सेप्ट करवाओगे तो वैसे ही बहुत अच्छी लगने वाली है। साथ ही साथ आप एक डोर वाइजर सिल्वर लाइन लोअर के विंडो गार्निश लगवा लो तो साइड प्रोफाइल से एकदम बोल्ड लुक लगेगी। लेटेस्ट में ऑटो फोल्ड मिरर आप इंस्टॉल करवा सकते हो, और इसके ऊपर जो टैको प्रिंट की हुई है, जो हाइड्रो डिपिंग का कॉन्सेप्ट भी इस कार में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि 2024 में हर एक पर्सन को कार के अंदर एक वाव वाली फीलिंग्स चाहिए। तो आप लोग हाइड्रो डिपिंग, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, डोर साइड के मोल्डिंग्स और साइड स्कर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, किस तरीके से व्हील आर्क से लेकर साइड लेडिंग, हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो मारुति सुजुकी ने काफी अच्छा इस कार को लुक्स दिया हुआ है। और कमेंट करके मारुति लवर सब लोग बताना कि आपको ये स्विफ्ट का नया फोर्थ जनरेशन कैसा लगता है। रियर प्रोफाइल से जब आप इस कार में देखोगे तो रियर से भी कंपनी ने काफी सारा मॉडिफिकेशन कर दिया हुआ है, क्योंकि जो टेल लाइट है वो टोटली रिप्लेस हो चुकी है, फोर्थ जनरेशन है तो स्मोक एंड LED का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो गाड़ी अगर आप बेसिक मॉडल लेते हो तो प्लग एंड प्ले वाली रिप्लेसमेंट वाली टेल लाइट भी आपको मिल जाएंगी, और आफ्टर मार्केट में भी काफी सारी चॉइसेस जो है वो लॉन्च होने वाली है। सो गाइस, स्टे ट्यून रहना कि जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे आप लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट की जितनी भी टेल लाइट्स, हेडलाइट्स मॉडिफिकेशन वाली आएगी, वो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग देख पाओगे कि किस तरीके से अपग्रेड होती रहती है। और दोस्तों, ये कार में हम लोगों ने रिफ्लेक्टर लाइट मैट्रिक्स किस तरीके से लगाई हुई है वो आप लोगों के सामने है, विद मैट्रिक्स इंडिकेटर में। जब आप इसमें आप पार्किंग मोड करोगे तो रेड लाइट होगी, जब ब्रेक करोगे तो एक रेड हाईलाइट होगा, और जब आप पार्किंग मोड ऑन करोगे तो दोनों ही तरफ आप लोगों को इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। सो गाइस, इस कार में और भी काफी सारी चीजें आने वाली है, लेकिन यहाँ पे डिक्की क्रोम हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। रियर के ग्लास की विंडो गार्निश आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से एनहांस हो रही है। रिफ्लेक्टर लाइट का बम्पर गार्निश क्रोम किस तरीके से एनहांस हो रहा है, एक काफी सारी चीजें अभी कमिंग सून में है, और कई सारी चीजें है वो जो आ चुकी है। और स्पॉइलर की बात करूं तो ये कार में कंपनी फिटेड स्पॉइलर लगा हुआ है,
लेकिन हम लोग मॉन्स्टर स्पॉइलर बहुत ही जल्द इस कार में लगाने वाले हैं, ताकि और ज्यादा स्पोर्टी लुक इस कार में आपको देखने को मिलेगा। शार्क एंटीना इसमें आप इंस्टॉल करवा सकते हो। पूरी की पूरी कार को अगर आपको ऐसा शाइनिंग वाला प्रोटेक्शन देना है तो आपको सिरामिक कोटिंग जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह जम जाता है वो इजीली क्लीन नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को एक माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ से बस क्लीन करना है और गाड़ी आप हमेशा के लिए ऐसी शाइनिंग वाली रख सकते हो। और दोस्तों, बाहर से इतनी अच्छी कार होगी तो सोचो कि कंपनी ने किस तरीके से अंदर का भी कुछ नया कॉन्सेप्ट किया होगा, और साथ ही साथ जगदम्बा कार एक्सेसरीज में भी अपने कॉन्सेप्ट अंदर लॉन्च कर दिए हुए। तो आइए जरा अंदर की तरफ चेक करते हैं कि किस तरीके से इंटीरियर प्रोफाइल ऑफ द कार में, जैसे ही आप कार के अंदर एंटर होते हो। ये कार में दोस्तों जो सीट कवर आए हुए थे वो कंपनी से ही उन्होंने पैकेज में लिए हुए हैं, इसलिए इस तरीके से थोड़े से हाफ कवर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे पास सीट कवर फुल बकेट फिटिंग विथ एयरबैग कट के साथ आप जो मर्जी कलर बोलोगे उस कलर में हमारे पास अवेलेबल है। चाहे ब्लैक ब्लू चाहिए, चाहे ब्लैक रेड चाहिए, चाहे ब्लैक सिल्वर चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट में हमारे पास बहुत सारी ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल है। तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग जो पूरा इंटीरियर होता है वो तो कंपनी ने तो बहुत अच्छा बनाया ही है, लेकिन उसके अंदर जो हमारा फील आता है, किस तरीके से हम लोग एक एक्टिव एम्बियन लाइट लगा के आपके कलर्स को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, वो आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख पा रहे होंगे। और चारों डोर्स के अंदर हमने सर को सजेस्ट किया कि डोर को लेदर रैप करवा दो, क्योंकि डोर के अंदर जिस तरीके से फैब्रिक लगा हुआ था उसकी जगह ये जो लेदर की एक फील दे देता है ना, तो और ज़्यादा बात बन जाती है दोस्तों। और साथ ही साथ हम लोग इसमें जो पावर विंडो के चारों पैनल्स हैं उसको भी हाइड्रो डिपिंग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसको पियानो ब्लैक फिनिश भी आप करवा सकते हो, पियानो ब्लैक विथ स्पार्कलिंग इफेक्ट करवा सकते हो, ब्लू कार्बन फिनिश करवा सकते हो, कार्बन ब्लैक करवा सकते हो, जो मर्जी कॉन्सेप्ट की इंटीरियर कार आप इस गाड़ी को कर सकते हो। क्योंकि 2024 है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबकी गाड़ी में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कार है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाइए। जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे आप लोगों को हर एक पार्ट्स के प्रॉपर मारुति के जेन्युइन भी मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड मिरर, स्टीयरिंग व्हील, स्टीरियो, चारों दरवाजे के स्पीकर, डैम्पिंग सीट, हर एक एक्सेसरीज अवेलेबल रहने वाली है। पीछे से भी मैं आप लोगों को सीट का एक नज़ारा दिखा दूंगा कि कंपनी की सीट कवर्स लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सीट कवर अगर लगे होते हैं तो फुल बकेट फिटिंग में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो मैटिंग भी है वो कंपनी की ही है इसमें, लेकिन हम लोग जो है वो 70 मैट लेकर आए हैं, क्यूपो मैक्स मैट लेकर आए हैं। इस कार में हम लोगों ने फ्लोर की लेमिनेशन मैट करने का मौका मिला है, तो पूरी सिंगल पीस में फ्लोर लेमिनेशन मैट की हुई है। हमारे पास वेलकम के स्कर्फ प्लेट आ चुके हैं, और भी बहुत सारी एसेसरीज हैं जो इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करते रहेंगे, आप लोग देखते रहना। और बस इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9137325387 and 9722356913। थैंक यू सो मच।